जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी कैसी चल रही होगी, एकदम मस्त झकाझक चल रही होगी। एयरफोर्स फेज टू की प्रिपरेशन कर रहे सारे बच्चों, मैंने क्लास अभी लिया था, 5 अगस्त से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया है। और उस 5 अगस्त की क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन के कुछ टिप्स दिए थे। कुछ बच्चों के मेरे पास इस तरह से फ़ोन आए कि सर, वो वीडियो आपने जो क्लास में बताया है उसके लिए एक वीडियो हमको डाल दीजिए। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी, पर उस वीडियो का कुछ ही पार्ट वहाँ पर आ पाया है, बाकी पार्ट नहीं आ पाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से मैं वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ। आप लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। फोर डिफेंस एकेडमी का आपका और हमारा ये जो परिवार है, ये आपके लिए सतत लगा हुआ है और आपके फेज टू की प्रिपरेशन में निश्चित तौर पर हेल्पफुल साबित होगा। ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या चीज़ें ध्यान में रखना होती है, ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो ऑफिसर आपके ग्रुप डिस्कशन को देख रहे होते हैं वो ऑफिसर्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इन्हीं सारी बातों, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर कुछ की फैक्टर्स हैं। ये की फैक्टर्स जो है, इन पर बड़ा फोकस किया जाता है। तो ये सबसे पहले आप देखते हैं, टीम वर्क, पोलाइटनेस, कॉन्फिडेंस, जनरल अवेयरनेस, लीडरशिप स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो की फैक्टर्स हैं आपके ग्रुप डिस्कशन के, आपके ऑफिसर जो भी रहेंगे इन सारे पॉइंट्स के आसपास आप लोगों से डेफिनेटली बातचीत करेंगे, आपके अंदर इन सारी खूबियों को टटोलने की वो कोशिश करेंगे। तो इनको वन बाय वन हम लोग बारीकी से देखते हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले, डू नॉट एड्रेस इंडिविजुअली। आपको क्या करना है ग्रुप डिस्कशन में, आपको इंडिविजुअली एड्रेस नहीं करना है। जनरली क्या होता है, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं, मान लीजिए 10-12 लोग ग्रुप में बैठे हैं, तो बच्चा क्या करता है, या तो आमने सामने वाले एक दूसरे को एड्रेस करने लगते हैं, या फिर क्या होता है कि व्यक्ति अपने पड़ोसी स्टूडेंट को एड्रेस करने लगता है। तो आपको इस बात से बचना है, आपको इंडिविजुअली एड्रेस नहीं करना है, नियर बाय कैंडिडेट्स को ही फोकस नहीं करना है। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। टू द होल ग्रुप, डू नॉट लोकलाइज डिस्कशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा वहाँ पर ध्यान में रखना है। लोकलाइज आपके डिस्कशन को नहीं करना है, एक ही व्यक्ति को फोकस करके बातचीत को नहीं बोलना है, आपको क्लियर और फ्लुएंट बोलने की कोशिश करना है। दूसरी बात है, बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। जितना आप नेचुरल रह सकते हैं उतना नेचुरल रहिए। आप कई बार दबाव में दब जाते हैं, आपकी आवाज़ पतली हो जाती है, कई बार आपको थोड़ा सा टॉपिक अच्छा होता है, सिंपल टॉपिक अगर होता है तो आप बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, जैसा नॉर्मली लोगों से बातचीत करते हैं वैसे ही बातचीत कीजिए। डू नॉट ट्राई एंड बी समवन यू आर नॉट, बी योरसेल्फ। किसी और का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई टीचर ने आपको पढ़ाए तो आप टीचर की नकल करने लगते हैं, आप टीचर के जैसा बोलने लगते हैं, आप टीचर के वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ ग्रुप डिस्कशन इज योर चांस टू बी मोर वोकल, द एवेल्युएटर वांट्स टू हियर यू स्पीक। आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो आपका चांस है आप वहां पर मोर वोकल रहें, यानी कि बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इवेल्युएटर आपको सुनना चाहता है क्योंकि वो सुनने के लिए आपको बैठा है। टेक टाइम टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, थिंक ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू से। आपका जब ग्रुप डिस्कशन का आपको टॉपिक मिल चुका है, आप ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। आप अपना प्रॉपर टाइम लीजिए, जो टाइम आपको चाहिए उतना टाइम लेकर के आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट के बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि पॉइंट मुझे वहां पर बोलना है या फिर नहीं बोलना है। अब एक और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि डोंट स्टार्ट स्पीकिंग अनटिल यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड एंड एनालाइज द सब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कोचिंग करके गए तो कोचिंग में सब बता दिया जाता है कि आपको इनिशिएट करना है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपको ही बोलना है। ऐसा आवश्यक नहीं है, जब तक आपको सब्जेक्ट का क्लियर कट आइडिया ना हो तब तक आपको इनिशिएट नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इनिशिएट करने के कारण से पहला सेंटेंस तो बड़ी जल्दी में बोल जाते हैं, पर उसके बाद ऐसे चुप होते हैं कि लास्ट तक कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। कई बार ऐसा होता है ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक मिला उस टॉपिक से हम अवेयर नहीं है, पर जब हम ग्रुप में बैठे हैं और हमारे एक दो फ्रेंड्स ने जैसे ही बोला वैसे ही तुरंत हमको आइडियाज़ मिलने लगते हैं, और आपको फिर कुछ नहीं करना है, उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाते जाइए,
उनके आइडियाज़ से रिलेटेड आइडियाज़ देते जाइए, डेफिनेटली वहाँ पर बात अपने फेवर में हो सकती है। नेक्स्ट बात है, वर्क आउट वेरियस स्ट्रेटेजीज टू हेल्प यू मेक एन एंट्री, इनिशिएट द डिस्कशन और एग्री विथ समवन एल्स पॉइंट एंड देन मूव ऑन टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर ग्रुप डिस्कशन में लोग बोलने ही नहीं देते, कैसे बोले क्या करें, तो उसका एक सबसे अच्छा समाधान यही होता है कि जब कोई बोल रहा है तो आप उसकी बात में बात मिलाइए। जैसे ही आप उसकी बात में बात मिलाएंगे उसको लगने लगेगा हाँ ये व्यक्ति मेरा सपोर्ट कर रहा है, और उसकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर तुरंत अपना पॉइंट भी वहाँ पर रखिए। ध्यान रखना है यहाँ पर आप डिस्कशन को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले जाना, ऐसा नहीं करना है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट बोल रहा है और आपने एकदम पता नहीं एक पॉइंट से उठा करके बिल्कुल एडवर्स पॉइंट पर ले गए, इससे करने से आपकी नेगेटिव इमेज वहाँ पर बन सकती है। ओपनिंग द डिस्कशन इज नॉट द ओनली वे ऑफ गेनिंग अटेंशन एंड रिकॉग्निशन। किसी भी डिस्कशन की अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं, किसी भी डिस्कशन की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये एकमात्र रास्ता नहीं है कि आपको वहाँ पर अटेंशन मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इफ़ यू डू नॉट गिव वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, ऑल योर एफर्ट्स ऑफ इनिशिएटिंग द डिस्कशन विल बी इन द वैन। अगर आपने शुरुआत तो कर दी पर आपके आइडियाज़ में वो अच्छी बात नहीं, वो वैल्यूएबल आइडियाज़ अगर नहीं है तो फिर आपका जो शुरुआत करना है पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपका चांस पूरा बर्बाद हो जाएगा। और चूंकि आपने सबसे पहले बोला है तो आपके दिमाग में कितने वैल्यूएबल आइडियाज है ये भी लोग जान चुके होंगे। नेक्स्ट जो बात आती है, योर बॉडी लैंग्वेज सेज ए लॉट अबाउट यू। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। जब आप किसी टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करते हैं तो उससे आपके हाव भाव से ही पता चल जाता है किस व्यक्ति को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। योर गेस्चर्स एंड मैनरिज्म आर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड देन व्हाट यू से। जितना हम बोलते हैं, देखिए हम बहुत समझदार लोग हैं तो हम बोलते तो उतना ही है जिससे हम अच्छे दिखें, पर वो हमारा अच्छा दिखना जो है हमारे बोलने के तरीके से, मैनरिज्म से, हमारे गेस्चर से ही पता चलता है कि व्यक्ति वाकई किस किस्म का है। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को सहेज कर और संवार कर ले जाइए ताकि आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल हो सके। लैंग्वेज स्किल्स आर इम्पोर्टेंट ओनली टू द इफेक्ट्स एज टू हाउ यू गेट योर पॉइंट्स अक्रॉस क्लियरली एंड फ्लुएंटली। डेफिनेटली इंग्लिश का बड़ा रोल है क्योंकि इंग्लिश के थ्रू हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा फोकस में रखिए, उस पर अपनी कमांड बनाइए। बी असर्टिव नॉट डोमिनेटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पर डिस्कशन को डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इतना डोमिनेट कर जाते हैं कि लोग बोल ही नहीं पाते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, डोमिनेट नहीं होना है, हाँ असर्टिव होना है, मुखर होना है, जब मौका मिले तो डेफिनेटली हमें बोलना है। ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस्ड टोन इन योर डिस्कशन एंड एनालिसिस। आपके डिस्कशन में और आपके एनालिसिस में आपका जो टोन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ना बहुत लो होना चाहिए, ना बहुत हैवी होना चाहिए, ना आप किसी से दबें, ना दबेंगे ना दबाएंगे, हाँ अपनी बात ठीक से रखेंगे। डोंट लूज योर कूल इफ एनीवन सेज एनीथिंग यू ऑब्जेक्ट टू। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति हमारे पॉइंट से एग्री नहीं है, तो ऐसे में आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको निराश हताश नहीं होना है। द की इज टू स्टे ऑब्जेक्टिव, है ना, आपका ध्यान आपका फोकस चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। डोंट टेक द डिस्कशन सीरियसली पर्सनली, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे टॉपिक्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनमें वो हो सकता है हमसे डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसे कि रिजर्वेशन की बात मान लो आ गई, हो सकता है रिजर्वेशन से हमें फ़ायदा मिल रहा हो और कोई व्यक्ति उस फायदे के खिलाफ बोल रहा हो, तो वो चीज़ हमें पर्सनली वहाँ पर नहीं लेना है, हमें देखना है कि ओवरऑल क्या बात चल रही है। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पोलाइट। हमेशा कैसे रहिए, हमेशा पोलाइट रहिए। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एक्सट्रीम फ्रेजेस लाइक आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति किसी से एग्री नहीं होता है तो वो डायरेक्टली बोल देता है आई डू नॉट एग्री विद यू, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, इस तरह की बातों से थोड़ा सा आपको बचना है। आप पार्शियली एग्री, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश अप योर लीडरशिप स्किल्स। आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को ब्रश अप करना है। मोटिवेट द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम टू स्पीक। टीम के दूसरे मेंबर्स को भी मोटिवेट करना है बोलने के लिए, इससे आपका जीडी डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, हैव ए मोर ग्रुप डिस्कशन वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू द गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अपने फ्रेंड्स का सर्कल बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में आप डिस्कशन कीजिए, उस डिस्कशन के दौरान आप फीडबैक दीजिए भी और लीजिए भी, उससे डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम द अबो पॉइंट्स द पैनल विल ऑल्सो जज। क्या और जज करेंगी, तो आपकी पैनल जो है मेनली दो तीन बातें और देखती है कि बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, इसका अलर्टनेस क्या है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के अंदर है या नहीं है, एबिलिटी टू वर्क एज ए टीम,
ये सारी बातें जो है सर्टेन मेंबर्स एंड क्रिएटिविटी, तो आप देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके ग्रुप डिस्कशन में देखे जाते हैं। तो आपको देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो इंसान चाह के कर लेता है, पर अवेयरनेस का जो पार्ट है ना उसको धीरे धीरे गेन किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको किसी ना किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी तैयारी बिना डिले के आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इस वीडियो से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर आपको इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कम से कम आपके 5 खास दोस्तों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।